आंध्र के लीडर अपोजिशन जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सियासी प्रजा संकल्प यात्रा पूरी कर ली है। नवंबर 2017 से शुरू हुई यात्रा रियासत में काफी अहम मानी जाती है, जिसे सीएम ओहदे की कुर्सी तक पहुंचने का एक बेहतरीन रास्ते के तौर पर भी देखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। ४२९ दिनों में पूरा होने वाला जगनमोहन रेड्डी का पैदल मार्च कई मायने में काफी सुर्खियों में रहा। इस दौरान 3,650 किलोमीटर के पैदल सफर पर उन्हें हामियों के करीब जाने का मौका मिला। रियासत में चार महीने बाद असेंबली इंतखाबात होने हैं, जिसमें आवाम को अगला सीएम तय करना है। हालांकि रियासत का वजीर आला कौन होगा, ये तो आवाम तय करेगी। जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि हम किसी कौमी पार्टी या चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी ने रियासत की आवाम के साथ धोखा किया है। This issue cannot be told to you in a minute, Shivai. I mean, just follow my speech in the Bichapura meeting. I can't explain it in 1 minute or 2 minutes. It doesn't work that way, Shivai. You've seen the problem. You yourself have seen the problem. It cannot be explained in a minute or two. It needs more time to explain. What are the major problems in report? What are the major problems in the Can't do like this. Can't just do it in 2 minutes. It will take more time. Just cover the event. कहते हैं आंध्र प्रदेश में वजीर आला तक की कुर्सी का रास्ता गांव की धूल भरी सड़कों से होकर ही गुजरता है, क्योंकि 2004 में जगन के वालिद वाईएसआर रेड्डी तो 2014 में चंद्रबाबू नायडू भी गांव की खाक छान चुके हैं और बाद में दोनों रियासत के वजीर आला मुंतखब हुए। जगन ने नवंबर 2017 में शुरू की थी प्रजा संकल्प यात्रा। इसी से मुतासिर होकर वाईएस राजशेखर के बेटे जगनमोहन रेड्डी ने पैदल यात्रा के जरिए 3,650 किलोमीटर की दूरी का रिकॉर्ड बनाया है, जो शायद ही किसी लीडर ने पैदल इतनी लंबी दूरी तय की हो। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। उधर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का दावा किया है। अपने वुजरा और अफसरान की मौजूदगी में नायडू ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामयाबी का बखान किया। इस मौके पर रियासत के कई बड़े सरमायाकारी का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि बिना टेक्नोलॉजी के हम तरक्की के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को नजर में रखते हुए उन्हें पूरी रियासत में टेक्निकल कॉलेजेस का जाल बिछाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। इस मौके पर सीएम नायडू ने अपने हुकूमत की कई हुसूलियाबियां भी गिनवाई। I'm always saying we are in an inspiring time. Technology is going to play a huge role in our day-to-day life, in creating wealth, in eradication of poverty, in maintaining most livable standards. That is where you have seen in our campaign for the last 4.5 years' time. We have gone all these things differently. One by one, if you see earlier, I focused on IT. Because of that, I started number of engineering colleges. From 20 engineering colleges, I made it to 200-250 engineering colleges. I brought IT companies to Hyderabad. That ecosystem we created one by one because of IT companies and also knowledge economy and also education. Then naturally it has become an excellent ecosystem, creating shopping malls, hotels, hospitals, and so many service sector, tourism, everything. That is economy.
मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के कारकुनान से भी बात की। इस मौके पर एक कारकुन के मुल्क में गरीबी को लेकर किए गए सवाल पर पीएम ने तफसीली जवाब दिया। मौजूदा बदहाली के लिए पीएम मोदी ने करप्शन को जिम्मेदार बताया। उन्होंने एक रुपए में 85 पैसे बिचौलियों के पास जाने का जिक्र करते हुए इस पर रोक लगाने की मुहिम चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज भी आवाम के हक का पैसा बिचौलियों के पॉकेट में जा रहा है, जो एक अरसे से रिवायत सी चली आ रही है। उनका कहना है कि इसे रोकने के लिए उन्होंने कई सख्त फैसले लिए, जिसका असर धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है। प्रवीण जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई आफ्टर डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स हैड नॉट अंडरस्टूड हाउ टू रीच द पुअर। Was it because some governments did not want to reach the poor? Was it because some governments did not mind the leakage of 85 paise? Let us understand where was this missing 85 paise then? This whole story about benefits not reaching the poor is hidden in what used to happen to this 85 paise. A big industry of middlemen and brokers used to thrive on this 85 paise. At every stage, everyone would take their cut, and finally, the poor was left with nothing. It was this culture of cuts and commission that the poor remained poor. तेलंगाना में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपना मौकफ साफ किया है। रियासती इलेक्शन कमीशनर का कहना है कि उनकी जानकारी में किसी भी सही वोटर का नाम नहीं हटाया गया है। हालांकि उन्होंने एक आध गलतियों को भी तस्लीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात को देखते हुए 25 जनवरी से दोबारा नाम जोड़ने की मुहिम शुरू की जाएगी, जो लगातार एक महीने चलेगी। मुस्तहिक लोग अपने कागजात के साथ मकामी दफ्तरों में पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। वाजे रहे कि अपोजिशन जमातें लगातार रियासत में वोटर डिलीशन यानी कि वोटर्स के नाम डिलीट करने का जो मामला है उसको उठाते हुए इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार बताती रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज माई फॉर्मल ड्यूटी ऑल्सो टू इन्वॉल्व ऑल द पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स। वी हैव पब्लिश द ड्राफ्ट रूल्स ऑन 26th of December. And we wanted to give them 10 days time to look at the list, draft rules, and come up with suggestions for its improvement, for where are the things which are lacking. Many parties said that there is this issue of missing voters which they have. We have explained comprehensively about the steps we are taking. Actually, all the deletions that we have carried out during NERPAP 2015, where large number of voters in the state entirely, about 35 lakhs voters were deleted based on the verification criteria. And a large number of deletions are genuine also. I mean, they're really, but a few people mistakenly, because they were traveling at that time, they were not present or they could not submit the real documents and things like that. According to our estimates, maybe about 3-4%, maybe 5% at the most in certain urban areas and all that. Kind of voters they could not produce and their names. So we are taking up a campaign. We have given all the names which are deleted to all the political parties. It's also hosted on the website. We have also directed our election officials at the field level to contact them individually and obtain Form 6 wherever they are present and all that, so that their names don't go missing. The claims and objections are being taken up to 25th January, and we'll publish the final roll on 22nd February. सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले की मुखालफत के बीच एक और खातून ने दाखिल होने का दावा किया है। 36 साला मंजू का कहना है कि वो भी सबरीमाला मंदिर में दाखिल होकर अयप्पा के दर्शन और रिवायती पूजा कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने मंदिर दर्शन के
का जो मोबाइल वीडियो है वो भी जारी किया है। वाजह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मंदिर में 10 से 50 साल के बीच की औरतों के दाखिले की मुखालफत हो रही है। हालांकि इस बीच पिछले दिनों दो खवातीन मंदिर में पहुंच गई थी, जिसे लेकर बीजेपी समेत कई मजहबी तंजीमों ने रियासतगीर बंद बुलाया था। इस दौरान मुजाहरा कर रहे एक अकीदतमंद की मौत भी हो गई थी। ഞാൻ ഈ മാസം 8-ാം തീയതി ശബരിമല ദർശനത്തിനായി പോയി. പോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ചത്. ബസ് മാർഗമാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഭക്തരിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ അക്രമങ്ങളോ ഒരു പ്രതിഷേധമോ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. ദർശനത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ തങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഞാൻ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിലെ ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. बेंगलुरु के अहले सुन्नत जमात की जानिब से जहेज के मुखालिफ मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए आवाम में बेदारी लाने की कोशिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। रियासत में अहले सुन्नत जमात मस्जिदों में जहेज के खिलाफ मुहिम चला रही है। हालांकि ये मुहिम गुज़िश्ता 30 सालों से चलाने का कमेटी का दावा है। मिलाद मुस्तफ़ा के एक रोज़ा तकरीब के बाद मुस्तहिक नौ जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई। तकरीब के बाद जहेज के खिलाफ एक बेदारी रैली भी निकाली गई। शादियां मुश्किल हो गई हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह को आसान करो। अब निकाह मुश्किल इसलिए हो गया है कि वो जहेज की लेन देन ये लानती चीज़ ज़्यादा हो गई है। इस चीज़ को अगर नौजवान सोच समझ के ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ जहेज की लानत ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से नहीं है, पैगंबर इस्लाम ने जो क़ानून मुसलमानों को दिया है उस क़ानून के तहत अगर हम चलेंगे तो दुनिया से ज़िना मिट जाए, माशरा पाक हो जाएगा। इस माशरे को पाक करने के लिए ही नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए ये चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक मैसेज देना बोल के इसके लिए हमें बेहतरीन तरीका है शाया करने का वास्ते, ये एक तरीका हमें चुन लिया। ये तरीके को एक शादी को लगभग सोना मिला के यहाँ अब लगभग 80,000 तो खर्चा आ रहा है। यह खर्चा हमें और हमारा साथियाँ और हमारे इस गांव के जितने भी जिम्मेदार हैं उन्होंने पूरे मिल के साथ दे के इसमें आदमी को आदमी हाथ बटा के साथ दे के ये कार्रवाई को एक अंजाम दे रही है हमें। ये जहेज की लानत को ख़त्म करने ही के लिए ये कदम उठाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से इतनी मेहनतों काबिशों के साथ ये तकरीबन 10 जोड़े 20 जोड़े 25 जोड़े जितने भी हो सके तादाद कोई तादाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 101 के करीबी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान होता है। जितनी गुंजाइश होती है उतने इंशाल्लाह यहाँ से निकाह करके निकाहानी करके अल्हम्दुलिल्लाह जोड़े बांध के भेजे जाते हैं। इस मौके पर इलाके के नौजवानों का इज्तिमाई निकाह पढ़ाया गया। मस्जिद कमेटी की इस पहल का शादीशुदा जोड़े इस्तकबाल कर रहे हैं। अहले सुन्नतुल जमात बमन अली में जय गरीब बच्चों की शादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गरीब बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगेगी और जय बहुत खुशी हो रही है। जामिया मस्जिद के पास बेहतरीन से बेहतरीन शादियों की मजलिस लगी हुई है और शादियों का इंतज़ाम किया हुआ है और घर अपने घर के लिए भी बीरू पलंग और साजो सामान के साथ इंतज़ाम भी किया हुआ है। अपने तेरे भी हमने काम नहीं आए, मेरे भाई लोग यहाँ के जामिया मस्जिद बमनहली जामिया मस्जिद के कमेटी वाले हम लोग को बहुत साथ दिए, दावत करे, लच्छा दिए, जहेज दिए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे माँ बाप इतने स्वस्थ पर नहीं है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अहले सुन्नत जमात मस्जिद कमेटी गुज़िश्ता 30 सालों से सालाना इस तरह के एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद करती है, जिसमें ज़रूरतमंद जोड़ों की शादी कराकर नौजवानों में जहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने की तरगीब दी जाती है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत बनने के बाद निजामाबाद और आसपास के इलाकों में
दलितों के साथ ज्यादती के मामले सामने आने लगे हैं। सीएम के कुनबे का इंतखाबी हलका होने की वजह से कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने लगी है। पार्टी लीडर मधु गौड़ा का कहना है कि टीआरएस लीडरान रियासती पुलिस पर दबाव बना रही है, इसलिए दलितों पर ज्यादती करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि टीआरएस अपोजिशन के इल्जाम को खारिज कर रही है। जब से टीआरएस सरकार तेलंगाना में बनी, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। कल का जो संगठन जो निजामाबाद जिला में हुआ, 2 तारीख होने के बाद भी जो डिलेड एक्शन है पुलिस का, वो लोकल एमएलए का सपोर्ट से ये काम हो रहा है। चीफ मिनिस्टर के बेटे के कॉन्सेंट से सिरसिला में भी 1 साल पहले नेरला में दलितों को इतना बुरा मारा गया, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर का बेटा, वहाँ का लोकल मंत्री तारक रामाराव, उनके सपोर्टर इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे। आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी संगठन देखिए, रोहित विमला के ऊपर क्या अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ ना राष्ट्र सरकार केसीआर कभी शब्द तक नहीं बोला। जो देश में भी बीजेपी के नेतृत्व में दलित और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी तक चंद्रशेखर राव या उनका बेटी बेटा कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दलित और वीकर सेक्शन के ऊपर अत्याचार बायकॉट करवा रहे, सोशल बायकॉट कर रहे हैं, ये काफ़ी निज़ामबाद में होता है, जब टीआरएस सरकार बनने के बाद ही ज़्यादा हो रहा है। टीआरएस गवर्नमेंट ट्रीट सच इंसिडेंट्स विद ड्यू इम्पोर्टेंस एंड इट इज़ आवर पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द शेड्यूल कास्ट minorities, SCs and all citizens of this state with equal respect. Law and order should be maintained without any compromise, and this is our track record. In this particular case of social boycott allegedly by the group from the village of about 80 malas, the police have promptly registered FIR, have arrested 25 people and is still investigating the matter. The whole action was so prompt by the police, and this speaks of our commitment to uphold the law and order of the state, and all allegations being made by the political parties is just to get further media coverage and cheap coverage. And basically in that incident, when Congress ruled the state for about 10 years, we had so many cases, we had unnumbered of cases where the government did not even react or did not even act, and these allegations are made, it is so surprising. कांग्रेस की कौमी खातून विंग की जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी ने खुशी का इजहार किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस ने जिस तबके पर भरोसा जताया है, उससे कानून और आईन दोनों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के इस फैसले को सही बताते हुए अप्सरा ने कहा कि वो सभी रियासतों में पहुंचकर खवातीन तंजीमों को मजबूत करने का काम करेंगी। इस मौके पर उन्होंने रजनीकांत को एक बेहतरीन अदाकार तो माना, लेकिन सियासी मैदान में उतरने के फैसले को गलत करार दिया। अप्सरा का कहना है कि जब से उनके सियासत में आने की चर्चा शुरू हुई है, उनके नाम के अफवाहों ने उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ महिला कांग्रेस, इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ ट्रांसजेंडर वुमन। आई थिंक इट्स अ ह्यूज टास्क टू प्रूव माई सेल्फ। आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रिंगिंग मोर यंग लीडर्स इन टू द पार्टी इन तमिलनाडु, build the women cadres at block level, district level. I think the Congress party needs a lot more effort and enthusiasm from the women cadres. My job also will be to bring about gender justice in terms of women, rural women unemployment, nutrition reaching girl children, preventing child rape, running workshops for skill development. I think building at every block level, bringing Congress leaders is my job. So I'll be working with the block level, with district level, and all the Pradesh committee presidents across India. So I'm going to Puducherry, I'll be going to Karnataka. So I'll be working with all the party presidents to bring in more young leaders, more young women into the fold. Ma'am, as far as superstar Rajinikanth, the Petai. Politician, have you seen? See, I think Rajinikanth is a cinema star. I have a lot of respect for him. I like Rajini sir as a cinema star. As a politician, I'm not sure whether he will be able to make an impact. Because for very long he's been saying, I'm coming, and his party is not yet registered. Is he waiting for Mr. Narendra Modi to win? Also, I think there was a rumor that he's going to start a TV channel. Where is the funding coming from? All that needs to be transparent. I don't take Rajinikanth as a
political leader seriously, but as an actor, he's a very good actor. फिल्म अदाकार रजनीकांत की स्टार फिल्म पेट्टा आज रिलीज हो गई है। इस मौके पर हामियों ने फिल्म की धमाकेदार शुरुआत के लिए रिवायती पूजा और आतिशबाजी की। दीगर रियासतों की तरह मुंबई में भी रजनीकांत के फैन सिनेमा घर पहुंचे। उनका कहना है कि फिल्म की कामयाबी के लिए रजनीकांत का नाम ही काफी है। पेट्टा में रजनीकांत अपने लुक को लेकर काफी चर्चा में है। मूवी में एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी भी है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, त्रिशा, बॉबी सिम्हा, विजय सेतुपति, सिमरन बग्गा ने अहम किरदार अदा किया है। पेट्टा को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फैंस मूवी की खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं फैंस, और उनका मानना है कि फिल्म पोंगल के लिए एंटरटेनर साबित होगी। और फिल्म के रिलीज होने से पहले हमारे मुंबई नुमाइंदे ने एक सिनेमा हॉल के बाहर का नजारा दिखाया, आप भी देखिए। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म आज पेटा रिलीज होने वाली है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम साइन के एक थिएटर के बाहर है जहां फिल्म थोड़े समय में रिलीज होने वाली है। ऐसे में उनके जो फैंस हैं वो नाच गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, काफी उत्साहित दिख रहे हैं। रिलीज होने के पहले आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ उनकी एक बड़ी सा जो बैनर है वो लगा हुआ है और उस पर माल्यार्पण किया हुआ है, और यहाँ परंपरागत जो है तरीके से पोंगल मनाकर उनकी फिल्म को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। आप देख सकते हैं लोग जो है वो काफी खुश और वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या हम यहाँ जो लोग हैं सीधा उन्हीं से जानते हैं, क्या कहना है, फिल्म देख रहे हैं? ओनली वन सुपरस्टार, वन सुपरस्टार, वन सुपरस्टार, ऑल द वन सुपरस्टार। क्या कहेंगे रजनीकांत की फिल्म? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है हम लोग। बहुत वेट कर रहा था कितना दिन का, वो एक हफ्ता का पहले से हम लोग बहुत आज एक एक दिन का हिसाब करते रहते। तो कितने खुश है आज आप? वो सब की बार है, बोलने के लिए आते नहीं, लेकिन इस सब की बार है, खुश है हम लोग। मरना मास। तो ये थे, आप देख सकते हैं ये रजनीकांत के फैन है जो कि काफी उत्साहित है और आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आज उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो ऐसे में इनके जो फैंस है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तरलकर के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में फूलों की नुमाइश लगाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और खुशी का इजहार किया। नुमाइश में पहुंचे लोगों ने शहर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी नुमाइश बहुत कम देखने को मिलती है। मुल्क भर से पहुंचे लोगों ने, बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थी, जिन्होंने इस नुमाइश को अजूबा करार दिया। वाजे रहे कि साउथ रियासतों में औरतों के बीच फूल काफी पसंद किए जाते हैं, ऐसे में इस नुमाइश में बड़ी तादाद में उनकी मौजूदगी हैरानी वाली नहीं रही। Actually, first time I came to flower show, I am feeling very happy. Here we can see all types of flowers. Really, all nature is in one place. Very happy to see. I want Vizag corporate members to conduct it once again. Oh, it is over there. Yes. How are you feeling all about the review? Yeah, it's very good. And they are conducting very neatly without any rush and flow. Okay. And I like it very much. And today many festivals are there in Vizag Utsav, so happy. Okay, like tomorrow. Flower peacock is very nice. Actually, I am feeling like I am in Dubai now. Okay, thank you. Thank you. The flower shows are... बहुत अच्छा लग रहा है और different different flowers भी देखने को मिल रहे हैं. It's really amazing and wonderful. आपने क्या देखा क्या? मतलब एक साथ हमको सब कुछ देखने को मिल रहा है. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही.